गांव में पीने की पानी तक नहीं है। सारा राज्य रे पानी पाई हाहाकार। पानी समस्या ने उद्वेग प्रकाश कले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहिले बुंदे विशुद्ध पानी देबारे विफल है सरकार। जो सरकार 25 साल में उड़ीसा के नागरिकों को एक बूंद में स्वच्छ पानी ना दिया जाए दे पाए। दूषित पानी जोगु हीराकुद और संबलपुर रे व्यापिला झड़ाबांती। निजे सीडीएमओ प्रथमे कहिले झड़ाबांतीर कारण दूषित पानी, परे कहा चापरे झड़ाबांती कथा को कले अस्वीकार। किंतु जेतिके आमे पानी सोर्स रु कलेक्शन करितिलु सब फिकल कंटामिनेशन अछि, हेइ परे कोठी बाटरे पाइप फाटिछि, फिकल कंटामिनेशन हेइछि। पुर जिल्ला रे हीराकुद व्यतीत अन्य कोनोसिटी एपिडेमिक भले सिचुएशन हेइ नाही, आमर हेल्थ टीम रेगुलर सर्विलेंस रे अछन्ति। ग्राउंड रु सत देखाई अर्ग सुठाइला मिछ प्रचार उपरु पर्दा। उपांतर उपकूल गांवरु सहर सबुठी हाहाकार। एरसमारु आनंदपुर, कंटाबांजीरु पाटकुरा, बांकीरु चित्रकोंडा, नवरंगपुरु जयपुर, देखंतु केमिति बुंदे पाणी पाई डहळ विकळ हेउछंति लोके। हेले पटे बसुधा ड्रिंक फ्रॉम टैप रे हात पहांतारे शुद्ध पीवा पाणी पहुंचाइबार प्रचार। आपणक सामनारे दुईटि चित्र, गोटिए मिछ प्रचार आ अन्यटि ग्राउंडर वास्तवता। सारा राज्यरे पीवा पानी समस्या नहीं आज राज्य सरकारों को निशाना करिछंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पिछले 25 साल से यहाँ का स्थानीय सरकार सारे मोर्चा में विफल हुआ है। महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ा नदी है। हीराकुद डैम आजादी के उपरांत बना था उड़ीसा में सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। पिछले मार्च के अंतिम सप्ताह में उस हीराकुद टाउन में, छोटी सी टाउन में डायरिया हो गई। खरा आरंभरु बढ़िछि जल कष्ट, केउठि चुआ पानी भरोसा तो आउ केउठि गोटिए नळकूपरे पानी नेबाकु लंबा लाइन रे घंटा घंटा करबाकु पड़ुछि अपेक्षा। केउठि पानी पाई लोकंक असंतोष नैछि प्रतिवादर रूप। पुरुष नाही कि नारी नाही, मे पानी जदि अछि गोड भी दिया हबो। 6-7 वर्ष हो गेला सर। गोयमुंड पंचायत कार्यालय रे कार्यालय भितरे गोयमुंड ग्रामवासी समस्त मिसि पंचायत कार्यालय भितरे सरपंच यंकु ताला बंद करिछु। जतेबेल पर्यंत आमर पानीय जल जोगाण को स्वाभाविक करान जीवो आमे सेमानकु तालारु ताला बंद ताला खोलिबु नाही। ड्रिंक फ्रॉम टैप ओ वसुधा योजनार प्रचार पोल खोलिथला हीराकुद संबलपुर रे। झाड़ाबांतीरे तीन जणक जीवन गला, 100 रु अधिक आक्रांत हेले। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रथमे दूषित पानी पई झाड़ाबांती व्यापीथिबा कहिले, परे चापरे आसी निज कथा को निजे खंडन कले। किंतु जेतिके आमे पानी सोर्स रु कलेक्शन करितिलु सब फिकल कंटामिनेशन अछि, हेइ परे कोटी बाटरे पाइप फाटिछि, फिकल कंटामिनेशन हेइछि, जोटा कि एई एर कारण। ब्रेक लगाय पे कोन त्वरित कार्यानुष्ठान करना, सेटा सोर्स रे माने कंटामिनेशन प्रिवेंट करिवार अछि। संख्या बढुछि आज? नै नै नै, संख्या कम। पुर जिल्ला रे हीराकुद व्यतीत अन्य कोनोसिटी एपिडेमिक भले सिचुएशन हेइ नाही, आमर हेल्थ टीम रेगुलर सर्विलेंस रे अछन्ति। पानी सैंपल कलेक्शन होउछि, रेक्टल स्वैब कलेक्शन होउछि, सबु टेस्टिंग चालिछि। तेनो आपण मानकु एतिके अनुरोध करिवार थिला जे लोक मानकु कॉन्शियस करांतु। अर्गस देखाइथिला ग्राउंडरु शुद्ध पीवा पानीर सत। भुवनेश्वरु स्वास्थ्य विभागर टीम भी झड़ाबांती मृत्यु कथा कहिले। बीजेडी सरकारक विरोधरे असंतोष झाड़िले संबलपुरवासी। वर्तमान आम पाखे जहाँ जहाँ इनफर्मेसन आम पाई आसीलु एटिकी आम डायरेक्टर निर्देश क्रमे आम जो आसीचु एटी हीराकुद एरिया झड़ाबांती आक्रांत होती पाखापाखि 170 प्लस पेसेंट आक्रांत होती तादूर जनकर डेथ होती मोरबो हाथ गोड़ खुजरी हो जाए कंटा खुजरी लेके पानी एते खराब आसुची नांगुड़ा पोक भी आसुची। बदनाम हवा परे सत लुचाइबा को प्रयास कले सरकार। दूषित पानी जोगु झड़ाबांती व्यापी नाही बोली कर्मचारी जरिया मिछ प्रचार भी कले। एमतीक खोद जिलापाल भी दूषित पानी कथा प्रथमे कही परे पुणी मना कले। चली आमर आउ माने बहुत जल्दी ता उपरे भी किछि आमे पदक्षेप नबा, बट इन द मीन वाइल जो जगह रे एमती लीकेज वगैरह जो बाहरुची कि को जगह रे तदी सांगे सांगे रिपेयर करबा पाए आमे कहिचु। आउ जदि माने वाटर ट्रीटमेंट जदि ठीक रे होउनी सेटा रिपोर्ट रे साइंटिफिक माने रिपोर्ट रे जदि जाना पडुची तो आमे निश्चित जो माने से पीएचडी विभाग रे जो अधिकारी माने थिबे तांको उपरे आमे निश्चित कार्यवाही करबा। स्पोरैडिक केस आसी छी, मैं तारा कांटेक्ट ट्रेसिंग करी पिलु एंड देयर इज सम हिस्ट्री ऑफ
ହାଭିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଏପିଡେମିକ୍ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆମ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହେଉଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଦୂଷିତ ପାଣି କଥା କହିଲେ ସେହି ମୁହଁରେ ପୁଣି ମନା କଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସତ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ପକାଇଲା ଚାପ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ଅରୁଆ ପୁଣି ସେହି ମୁହଁରେ ସେ ଉଷୁନା ହେଲା କେମିତି ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।